हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज हम बात करने जा रहे हैं टोनर के बारे में। टोनर हमारी स्किन पर जो ओपन पोर की प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओपन पोर की प्रॉब्लम इज़ अ रियली बिग इशू। उसकी वजह से हमारे स्किन पर बहुत सारे इश्यूज हम फेस करते हैं, लाइक ब्रेकआउट्स, पिंपल्स, एक्नी, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड व्हाट नॉट। इसीलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, विच इज़ वाई आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि टोनर्स क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है या फिर उसे इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट ओपन पोर्स, क्योंकि ये जो मेजर इशू है ना, इसको कवर करता है टोनर्स। सो ओपन पोर की प्रॉब्लम हम सबको होता है, किसी को ज़्यादा ओपन पोर की प्रॉब्लम होता है एंड किसी के फेस पर बहुत ही कम पोर्स होते हैं। तो पोर्स क्या है, हमारे स्किन के लिए ज़रूरी तो है, बट अगर वो पोर्स एनलार्ज हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है, लाइक ब्रेकआउट्स एंड पिंपल्स एंड ऑल, क्योंकि उस पर जो गंक है, जो इम्प्यूरिटीज़ एंड पोल्यूशन है, जो मेकअप आप अप्लाई करते हैं वो सब उस पर स्टक होकर क्लॉक करके उसे रख देता है, विच इज़ वाई हमारे स्किन पर फिर बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि रिजल्ट करता है पिम्पल में। तो ये जो पिंपल्स होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। आस्क समवन हु फेसेस पिंपल ईच एंड एवरी सिंगल डे, पिंपल्स कैन बी वेरी वेरी पेनफुल। तो पिंपल्स, एक्नी एंड पिंपल्स होना कॉमन बात है, बट जब वो पिंपल चला जाता है ना, उसके बाद जो डार्क स्पॉट वो छोड़ जाता है, दैट इज़ रिडिक्यूलस। उसे रिमूव करना बिकम्स अ टास्क। इसीलिए हमें हमेशा हमारे स्किन पर जो इनलार्ज्ड पोर्स है उसे हमेशा बंद कर देना है, किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले या फिर कहीं बाहर जाने से पहले, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तब जो इम्प्यूरिटीज़ है, जो पोल्यूशन है, वो फिर पोर्स के अंदर चला जाएगा एंड फिर पिंपल्स एंड ऑल हो सकते हैं। इनफैक्ट ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स भी होते हैं ओपन पोर की प्रॉब्लम से। तो टोनर क्या करता है, ओपन पोर की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है, वो हमारे पोर्स को एकदम सील कर देता है ताकि स्किन एकदम स्मूथ हो जाता है और पोर्स एकदम क्लोज्ड रहते हैं। जब आप टोनर अप्लाई कर देते हैं, आपका पोर्स क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप सिरम, क्रीम, सनस्क्रीन, फिर मेकअप, मतलब फाउंडेशन, कंसीलर, कुछ भी अप्लाई करें, आपके पोर्स पर वो क्लॉग नहीं करेगा। सो जो पहला हमारा स्किन केयर स्टेप है वो है क्लेंजर। हमारे फेस को हमें एक अच्छे क्लेंजर से वॉश कर लेना है एंड उसके बाद अप्लाई करना है एक अच्छा टोनर, जो कि आपके स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ सेटन बाय GHC का ये फेस टोनर, जो कि पोर टाइटनिंग टोनर है, जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो को किसी पर्टिकुलर स्किन टाइप ऑफ पीपल के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं हर स्किन टाइप ऑफ पीपल के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी के स्किन में पोर्स है। एनलार्ज्ड पोर्स की प्रॉब्लम हम ज़्यादा फेस करते हैं अगर आप स्टीमिंग ज़्यादा करते हैं या फिर अगर आपके फेस पर आप ज़्यादा ट्रीटमेंट इनऑल करते हैं। सेंसिटिव स्किन पीपल के भी ज़्यादा इनलार्ज्ड पोर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, आपके पोर्स को टाइटन कर देता है, एज द नेम सजेस्ट, पोर टाइटनिंग टोनर। अब ये किस तरह से पोर को टाइटन करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स में आप देखिए, इसमें PHA है। PHA हमारे स्किन को टाइटन करने में हेल्प करता है। नाइसिनामाइड है, विच इज़ एन एक्सेलेंट इंग्रेडिएंट फॉर एक्नी या सेंसिटिव स्किन टाइप, क्योंकि वो हमारे स्किन से जो अपर लेयर है ना, जो डेड स्किन सेल लेयर है, उसे रिमूव करके हमारे पोर्स को पूरा क्लोज कर देता है। इनफैक्ट अगर क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो जो इम्प्यूरिटीज एंड गंक है आपके पोर्स के अंदर से, उसे रिमूव करता है नाइसिनामाइड। देन है हाइलुरोनिक एसिड, विच इज़ अगेन वाटर बेस्ड इन्ग्रीडियंट, जो हमारे स्किन पर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट हमारे स्किन सेल्स को टाइटन रखने में, स्किन को रेडिएंट बनाने में। सो इन सब इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये हमारे स्किन पर जो इनलार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है और पोर्स को टाइटन रखता है। तो मैं तो हमेशा ही इसे दिन में एक स्प्रे बॉटल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसे अपनी फेस पर स्प्रे करती रहती हूँ, बिकॉज इन दैट वे आई एम कम्फर्टेबल। आप इसे कॉटन में डिप करके उसे भी डैब कर सकते हैं अपने फेस पर,
डैबिंग मोशन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि फिर आप इस तरह से डैब कर रहे हैं उसे, तो आपके स्किन पर थोड़ा सा सर्कुलेशन भी हो रहा है, हल्का सा आप इस तरह से डैब करोगे तो सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। आप क्लेंजर अब इस्तेमाल करिए, उसके बाद तुरंत बाद ही आप इस टोनर को इस्तेमाल कर लीजिए। एंड जब टोनर 70% ड्राई है उस टाइम आप सिरम, मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन जो आप डेली बेसिस पर अप्लाई करते हैं उसे अप्लाई कीजिए। 70% ड्राई क्यों है जब होगा तब आपको अप्लाई करना है, क्योंकि उस टाइम आपका स्किन सेल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो इंस्टेंटली अब्सॉर्ब कर लेगा, विच इज़ वाई पूरा ड्राई नहीं करना है, जस्ट 70% ड्राई कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी सीरम वगैरह अप्लाई कर लीजिए। सो इसका जो प्राइस है वो मैं बता देती हूँ, दिस इज़ फॉर 150 ml एंड इसका प्राइस है जस्ट 499 rupees, बट ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका जो परचेजिंग लिंक्स एंड ऑल है सब प्रोवाइड किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है एज बिकॉज इसके अंदर कोई एज सच नैस्टी केमिकल्स नहीं है, दिस इज़ रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।